दोस्तों, क्या आप भी सही से लिख नहीं पाते हैं? क्या आपकी राइटिंग सुंदर और साफ नहीं है? क्या आप हिंदी, इंग्लिश और मैथ के कुछ अक्षरों को उल्टा लिखते हैं? अगर यह सारी गलतियां आप में हैं, तो इस वीडियो के जरिए अपने गलतियों को सुधार सकते हो। आप अगर चाहते हैं कि आपकी राइटिंग साफ सुथरी हो, तो वीडियो में दिए गए टिप्स को अपनाकर आप अपनी राइटिंग में काफी हद तक सुधार ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे लिए साफ और सुथरी हैंडराइटिंग क्यों जरूरी है। लिखावट बच्चों और बड़ों सभी की अच्छी ही होनी चाहिए। शॉपिंग लिस्ट बनाने से लेकर बैंक में फॉर्म भरने तक रोजमर्रा के हर काम में लिखने की जरूरत होती है। राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो सामने वाले को उसे समझने में परेशानी हो सकती है। इसी तरह स्कूल के बच्चे अच्छे एग्जाम देने के बावजूद खराब राइटिंग की वजह से कम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। यही वजह है कि कक्षा में नोट्स लिखने से लेकर होमवर्क करने व परीक्षा देने जैसी सभी चीजों के लिए अच्छी राइटिंग का होना बेहद जरूरी होता है। अच्छी हैंडराइटिंग से आपको बहुत से फायदे हो सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। अच्छी राइटिंग दिमाग को तेज करने में मदद कर सकती है। दरअसल जब राइटिंग सुंदर होती है तो उसे पढ़ने का भी मन करता है। जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती, पढ़ाई करते वक्त उन्हें उनकी लिखी कुछ चीजें समझ नहीं आती, पेरेंट्स भी वो लिखी हुई चीज को पढ़ने में दिक्कत होती है, इससे बच्चे को पढ़ाई में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एग्जाम के दौरान राइटिंग काफी मायने रखती है। कई बार सही उत्तर लिखने के बाद भी खराब राइटिंग के कारण पेपर चेक करने वाले हमारा लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते और नंबर काट लेते हैं। वहीं अच्छी राइटिंग टीचर्स का पहले ही दिल जीत लेती है और हैंडराइटिंग के नंबर काटने की आशंका खत्म हो जाती है। ऐसे में साफ राइटिंग से अच्छे नंबर लाने में मदद मिल सकती है। अच्छी राइटिंग बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकती है। हाथों से लिखने वाले बच्चों को जल्दी चीजें याद भी हो जाती हैं। जब राइटिंग अच्छी होगी तो उसी चैप्टर का दोबारा पढ़ने में बच्चे संकोच नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों को चीजें याद होने लगती हैं। चलिए आगे हम राइटिंग सुधारने के कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में पैदा हो रहे बच्चों का कॉपी पेन से कम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से ज्यादा लगाव होता जा रहा है। ऐसे में बच्चे अपनी लिखावट पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। कुछ जगहों में तो नोट्स भी कंप्यूटर पर ही बनाते हैं। इस वजह से भी बच्चों में लिखने की समस्या पैदा हो सकती है। इससे बचाव में कुछ टिप्स मदद कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। एक, राइटिंग टूल्स का चुनाव। लिखावट को सुधारने के लिए सबसे पहले बच्चे को सही राइटिंग टूल्स दिलाना जरूरी है। बच्चे के लिए पेन, पेंसिल, नोटबुक आदि को खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें। ऐसा जरूरी नहीं कि जिसमें सामने वाला बच्चा आरामदायक महसूस कर रहा है उसमें आपका बच्चा भी सहज हो। जैसे बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि राइटिंग में सुधार के लिए फाउंटेन पेन अच्छा होता है, वहीं बॉल पेन लिखावट को खराब करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिखने का अपना एक तरीका होता है। बच्चे की राइटिंग में सुधार के लिए अच्छी ग्रिप वाली पेंसिल या पेन खरीदे। दो, धीरे धीरे अक्षरों को समझाएं। शुरुआत में बच्चों को अक्षरों को समझाने के लिए बहुत सावधानी से पढ़ाना होता है। इसी वजह से पेरेंट्स को अक्षरों के बारे में बच्चों को सही से समझाना चाहिए। बच्चों को पहले किसी भी शब्द का एक एक अक्षर लिखना सिखाएं और फिर पूरे शब्द को एक साथ लिखना। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इस दौरान बच्चे को बताएं कि दो अक्षरों और दो शब्दों के बीच कितनी जगह छोड़नी चाहिए। बस जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पेरेंट्स व्हाइट बोर्ड और मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेरेंट्स बोर्ड पर लिखकर बच्चे की रोजाना सही तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तीन, अक्षर और शब्दों की पहचान करना सिखाएं। अक्सर बचपन में लोग हिंदी, इंग्लिश और मैथ के कई शब्द उल्टे लिखते हैं। इसकी वजह अक्षर को बारीकी से न समझना होता है।
ऐसे में पेरेंट्स को बच्चों के शब्दों पर गौर करना चाहिए जिन्हें वो लिख रहे हैं या ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। बच्चों को जिन शब्दों में लिखने में ज्यादा दिक्कत हो रही है उसमें शामिल अक्षरों का अलग से बार बार अभ्यास करके आप शब्दों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी राइटिंग टिप्स का यूज करके आप अपनी राइटिंग को काफी हद तक सुधार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।